मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने आज कोयले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि 6% संपत्ति कर में छूट के साथ कार्य शुल्क को हटाकर संपत्ति कर जमा कराया जाए और उसे हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध करेगा। इसको लेकर तुलसीराम सिलावट ने भी उन्हें कार्य करने हेतु आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस संबंध में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल से बात की। मध्य प्रदेश के मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट से आप मिलने सर्किट हाउस मुरार ग्वालियर में आए, तो इस का क्या उद्देश्य था? देखिए, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी से मिला है और हमारी मांग जो है वो उस मांग के लिए कोई नई मांग नहीं है। इसके लिए 6-7 महीने पहले इसी सर्किट हाउस में माननीय प्रभारी मंत्री जी को चैम्बर के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया था और ये बताई थी कि ग्वालियर शहर के अंदर जो व्यापारी और उद्योगपतियों पर गार्बेज शुल्क की दरें हैं वो भोपाल इंदौर जबलपुर से कई कैटेगरी में 50 गुना तक ज़्यादा है। तो ग्वालियर की जनता गार्बेज शुल्क देना चाहती है लेकिन भोपाल इंदौर जबलपुर से अधिक नहीं होना चाहिए और जब तक इसका निराकरण नहीं हो जब तक बिना गार्बेज शुल्क के संपत्ति कर 6% छूट के साथ जमा होता रहे, जो भी निर्धारित तिथि होती है उस तक 6% छूट के साथ संपत्ति कर जमा होता रहे, ये सुविधा मिलनी चाहिए। यदि माननीय मंत्री जी ने तत्काल भोपाल भी निर्देशित किया था लेकिन अफसोस है कि 6 महीने के बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रही है और वो लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि गार्बेज शुल्क के साथ ही संपत्ति कर जमा करें, जबकि ये वादा खिलाफी है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ये तय किया कि हम माननीय प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से समय मांगे। हमें उम्मीद है कि चैम्बर को माननीय मुख्यमंत्री जी समय देंगे और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि समय हमें नहीं मिलता है तो ये भी तय किया है कि हम प्रदर्शन कर अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे कि लाल फीताशाही किस तरीके से व्यापारियों का पर दमन कर रही है और जिससे सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो इस आंदोलन को आप किस रूप इस तक तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके तक चलेगा और इसके निर्णय तक ये आंदोलन जारी